दुर्गापुर नाम के गांव में चमनलाल नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वो घाट रोड में भी ट्रक को बहुत आसानी से चलाता था। कोई भी जितना भी जरूरत क्यों ना हो, शाम के 6 बजने के बाद वो कोई काम नहीं करता था। शाम के 6 बजते ही चमनलाल खूब शराब पीकर सो जाता था। एक दिन ट्रक का मालिक राधेश चमनलाल के पास आया। अरे चमनलाल, अर्जेंट माल को पड़ोस गांव तक ले जाना है। माफ कीजिए साहब, शाम के 6 बजने के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उस घाट रोड में अंधेरे में कोई गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है। तुम आंखें मूंछ के भी गाड़ी चला सकते हो। शाम के 6 बजने के बाद मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा कह रहा हूँ ना सर, 6 बजते ही मुझे दारू पीनी है। रे, मुझे माल बेचना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें दुगना पगार दूंगा और तुम्हारे साथ छोटू को भी भिजाऊंगा। मना करोगे तो मैं तुम्हारा काम किसी और को दे दूंगा। बोलो। उसके बातें सुनकर चमनलाल दंग रह गया। उसे नौकरी की बहुत जरूरत, इस वजह से चमनलाल, ठीक है साहब ठीक है, मेरे साथ किसी ना किसी को भिजाइए। ठीक है रे, तुम्हारे साथ छोटू को ले जाओ, कहकर वहाँ से चला गया। ट्रक में माल चढ़ाने लगे। चमनलाल शाम के 5 बजे गाड़ी शुरू करता है। उसे देखकर छोटू, ये क्या भाई, कुछ नाश्ता वास्ता खाकर स्टार्ट करे तो अच्छा रहता था ना, आपको इतना अर्जेंट क्यों जाना है। ऐसा क्या, ठीक है हम सुबह नाश्ता करेंगे, मगर तुम जाकर अपने मालिक से कहो कि हम सुबह जाएंगे। आप मुझे नौकरी से निकलवाने की सोच रहे हो क्या? ठीक है स्टार्ट करो, मुझे क्या दिक्कत है। चमनलाल गाड़ी चलाने लगा। शाम के 6 बजते ही बगल में मौजूद दारू की बोतल उठाकर घटाघट पीने लगा। भाई ये क्या भाई, आप दारू क्यों पी रहे हो, अब हम कैसे जाएंगे। रे छोटो, तुम्हें लेफ्ट राइट पता तो है ना, मुझे बता सकते हो ना। बोलूंगा भैया, मगर उससे ड्राइविंग का क्या संबंध है। मैं गाड़ी चलाता रहूंगा, तुम राइट क्या है लेफ्ट क्या है बताते जाना, ठीक है। आप भी कमाल करते हो भाई, मुझे डर लग रहा है। चमनलाल के सर पे नशा चढ़ा और वो हिलते डुलते गाड़ी चलाने लगा। रे छोटो, तुम डरो मत, पीने के बाद भी मुझे अच्छे से सुनाई देता है। ओह सच है क्या, तो ठीक है भैया, मगर आंखें खोलकर गाड़ी चलाना भैया। तू बोल रहे पहले। छोटू तब लेफ्ट राइट और आगे आने वाले गाड़ियों के बारे में चमनलाल को बोलने लगा, तो चमनलाल वो सुनकर गाड़ी चलाने लगा। और 2 घंटों में सुबह होने वाली थी, तभी छोटू को हिचकियां आने लगी। छोटू यूं हिचकियां लेने लगा। छोटू पानी के लिए बहुत ढूंढा, लेकिन उसे पानी की बोतल नहीं दिखी। हिचकियां नहीं रुक रहे थे, तब छोटू चमनलाल के लाए दारू की बोतल को लेकर दारू पी लिया। छोटू अपने मन में, ये क्या, दारू की स्वाद नगर पालिका के पानी के जैसे है, सोचा। छोटू को चमनलाल के ऊपर शक हुआ। छोटू अपने मन में, मगर ये पानी पीकर दारू पीने के जैसे नाटक क्यों कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, सोचा। क्या रे, रास्ता बता नहीं रहे हो। भैया ये रोड बहुत टेढ़ा है भैया, इसलिए रुका था, मगर वो झूठ बोल रहा था, वो रोड सीधी थी। चमनलाल को टेस्ट करने के लिए ये छोटू का प्लान था। इतना दूर आने के बाद घाट रोड क्यों आएगी रे, रोड सीधी ही होगी। भैया तो फिर लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, सब घाट रोड ही है, चाहिए तो देखो। ठीक है तो पीछे जाकर वहाँ से दूसरा रोड से जाएंगे रे। भैया लगता है आपकी आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं, मुझे सब समझ आ गया है, अब तुम नाटक करना बंद करो भाई। चमनलाल तब अपने मन में, हे भगवान इसे सच पता चल गया है क्या, सोचकर छोटू से, छोटू पिछली बार नवरात्रि के समय मुझे एक्सीडेंट हुआ था रे, मुझे रातौंधी है रे, शाम के 6 बजने के बाद मेरी आंखें दिखाई नहीं देती हैं। ओह ऐसा क्या भाई, तो फिर मालिक से ये बात बता सकते हो ना।
आंखें नहीं दिखाई देने वाले को काम कौन देगा रे? सुबह आंखें दिखाई देंगी कहे तो भी कौन यकीन करेगा? और अपना जो मालिक है ना, वो बहुत बड़ा कमीना है, सबको इसके बारे में कहकर मेरा काम बिगाड़ देगा। आपने सच कहा है भाई। छोटू, ये बात तुम किसी से मत बताना। ठीक है भैया, अब आप एस्केप हो जाओगे, मगर बाद में क्या करोगे? मैं आपको एक आइडिया दूं क्या? बोलो रे। इस गाड़ी को किसी करंट पोल से या डिवाइडर से ठोक दो, बाद में राधेश आपको शाम के समय गाड़ी निकालने नहीं देगा और आपका काम भी बिगाड़ नहीं सकेगा ना, उसके बातें सुनकर चमनलाल। ठीक है रे छोटू, तुमने अच्छा आइडिया दिया है। बाद में चमनलाल छोटू के कहे जैसे ही ट्रक को एक करंट पोल से ठोक दिया, उसके वजह से राधेश को बहुत नुकसान हुआ और तब से राधेश चमनलाल को रात की ड्यूटी नहीं डालने लगा।